हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस में हमने प्रीवियस जो असाइनमेंट्स हैं, जो वीडियोस हैं, उसमें हमने क्या देखा था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, ट्रांसपोज के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रिपल टी इस पर लगा देना डिस्क्रिप्शन पर। बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स इनटू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2b/2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 2b को आप लिखोगे b+b, 2b को आप लिखोगे b+b। फिर आप इसमें b डैश, याद है सिमेट्री का सिंबल था ये, ट्रांसपोज का सिंबल था, तो b डैश प्लस कर दो और b डैश माइनस कर दो, और अपोन में 2 है ये हमारे पास। फिर दोबारा देख लो, पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2b को लिखा मैंने b+b, b डैश प्लस कर दिया और b डैश माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट टर्म में आप इसको b+b'(1/2) साथ ले लो, अलग कर लो, और प्लस में हाफ ऑफ b-b' अलग कर लो, ठीक है। अब इसका नाम, इसका निकनेम, जैसे तुम्हारा घर में टिल्लू मिल्लू गिल्लू बिल्लू होता है ना, लड्डू, ऐसे इसका निकनेम मैंने कर दिया p, और इसका निकनेम इस पूरे का निकनेम मैंने कर दिया q, ठीक है। तो पी जो मैट्रिक्स आएगी ना, जब आप बी मैट्रिक्स में बी डैश प्लस करोगे और फिर उसके ईच एलिमेंट को 2 से डिवाइड करोगे, तो जो पी मैट्रिक्स आएगी आप देखोगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और जो क्यू मैट्रिक्स आएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और याद है ना, क्यू मैट्रिक्स की मैंने पहचान क्या बताई थी, डायगनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान थी डायगनल एलिमेंट्स 0 0 होंगे। और भी कुछ बताया था याद करो, a12 और a21 मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अपोजिट होंगे, याद करो जिसने प्रीवियस वीडियो को सुने। तो जब आप p को सोल्व करोगे, p मतलब हाफ ऑफ b मैट्रिक्स प्लस b डैश, इसका मतलब p=½ b मैट्रिक्स को आप यहां पर लिखोगे और फिर प्लस उसका आप ट्रांसपोज लिखोगे, ठीक है। ट्रांसपोज आपको आता है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। फिर जब आप इसको आप प्लस कर लोगे, और प्लस करने के बाद जब आप 2 से डिवाइड भी कर लोगे, तो आपका आंसर आएगा 2 -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 1 -3, ये आंसर आएगा, राइट। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है पी, तो कोई बात नहीं, आप इसका एक बार दोबारा ट्रांसपोज कर लो, आप ट्रांसपोज करके देखो, अगर ये सेम मैट्रिक्स आपको मिल गई तो ये सिमेट्रिक है। तो देखो आप ट्रांसपोज कैसे करते हैं, फर्स्ट रो देखो ध्यान से, फर्स्ट रो ऐसे ऐसे करो पेन को, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 2 -3/2, ये वाला -3/2 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिर पेन को ऐसे ऐसे करो, यस। सेकेंड रो को आप सेकेंड कॉलम बना दो, -3/2 3 1। अब थर्ड रो स्टार्ट, ध्यान रखना पेन नीचे नहीं लगना चाहिए, नहीं तो सारा लाइनें लग जाएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऐसे ऐसे हवा में करना है। तो -3/2 थर्ड रो, -3/2 1 -3, क्लियर। अब देखते हैं क्या मिला हमें, ओ ये तो सेम मिल गया, देखो आप ध्यान से, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब कुछ सेम मिल गया ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो p'=p, तो देयरफोर p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली जब आप q को सोल्व करोगे, q का मतलब होगा हाफ ऑफ b-b ट्रांसपोज, तो आप b मैट्रिक्स में से जब आप उसका ट्रांसपोज माइनस कर दोगे और फिर 2 से जब आप डिवाइड करोगे, तो आपको क्यू मैट्रिक्स जो मिलेगी
देखो मैं आंख बंद करके यहाँ पर डायनल एलिमेंट्स 0 0 कर देता हूँ। ये होंगे ही होंगे, आप करके देख लो, डेफिनेटली आपको मिलेंगे मिलेंगे। अब इसके बाद यहाँ मिलेगा आपको -1/2, यहाँ मिलेगा आपको -5/2, यहाँ पर 1/2 मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ पर 5/2 मिलेगा, अगर विश्वास नहीं है तो करके देख लो, -3 मिलेगा। ठीक है, आप कहोगे सर इसे कैसे चेक करेंगे? भाई आप चेक कर लो, आप इसका ट्रांसपोज करो, और जब ट्रांसपोज करोगे तो देखो क्या मिलेगा, क्यू डैश। देखो फिर वही कहानी, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना दो, ठीक है, सेकेंड रो को आप सेकेंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम बना दो, राइट। तो क्या ये सेम है? नहीं है ना, लेकिन माइनस साइन आपको कॉमन लेना है। तो जैसे ही आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो अंदर सभी के साइन चेंज होंगे, मैंने आपको बताया था, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये +5/2, ये -5/2 बन जाएगा, फिर यहाँ पर +1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर, अरे यार, 1/2, और फिर यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ पर -3 आएगा, और यहाँ पर -5/2 आएगा, और यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर 0 आएगा, राइट। तो इसका मतलब q'=-q, तो q'=-q। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के हमने दो टुकड़े किए हैं, एक सिमेट्रिक बना और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक बना। आप इसको ऐसे समझो जैसे एक नंबर के हम दो टुकड़े करेंगे, एक ऑड बनेगा और एक इवन बनेगा, राइट। जैसे 9 के दो टुकड़े करो 4+5, एक ऑड है एक इवन है, ऐसे एक मैट्रिक्स से दो टुकड़े हो गए, एक सिमेट्रिक बना और एक स्क्यू सिमेट्रिक बना। कैसे किया वो आपने देख लिया, ये क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर में आ चुका है, इससे रिलेटेड आपको होमवर्क मिलेगा आपको। नेक्स्ट, आज मैं आपको कुछ ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा मैं। यस, रो ऑपरेशन, क्लिप लगाना चाहिए मुझे पेजेस के ऊपर। रो ऑपरेशंस, रो ऑपरेशन में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आप ये देखिए, एक मैट्रिक्स है मेरे पास, 2 1 2 1 3 0 1 -1 2, एक मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली मैंने। अभी मैं केवल आपको ऑपरेशन लगाना सिखाऊंगा कि कैसे ऑपरेशन लगाते हैं, रो ऑपरेशन। आपको पता है ये फर्स्ट रो है, ये पता आपको सेकंड रो है, ये पता आपको थर्ड रो है, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो आर वन यहां पर, यहां पर आर वन को मुझे यहां पर वन लाना है, क्यों लाना है ये बाद में बताऊंगा, मुझे यहां पर वन लाना है। वन लाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी रो में से किसी भी रो को माइनस कर सकता हूं। यस, आप दो रो को प्लस कर सकते हो, R1+R2 चलेगा, आप दो रो को माइनस कर सकते हो चलेगा, लेकिन आप दो रो को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये नहीं चलेगा, दो रो को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं देखो यहां पर वन लाने के लिए मैं R1 में से R2 माइनस कर रहा हूं, R1 इसको बोलते हैं टेंड्स टू, या R1 becomes R1 minus R2। तो केवल कौन चेंज होगा पता है, R1 चेंज होगा, जो आप लेफ्ट में लिख दोगे ना वो चेंज होगा, तो R1 चेंज होगा। तो करो आप 2 -1, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 -3 -2, 2 -0 2, केवल R1 चेंज होगा। देखो मैंने R2 R3 को एज इट इज लिखा है, R1 चेंज हो गया, R1 becomes R1 minus R2। अभी स्टूडेंट कहता है सर मैं R1 में से R3 नहीं माइनस कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, आप R1 में से R3 माइनस कर दो, आंसर लास्ट में सभी का एक जैसा आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन सपोज करो,
मुझे यहां जीरो चाहिए, यहां पर क्या लाना है, मुझे जीरो लाना है। अब यहां जीरो लाना है तो मैं क्या करूंगा, या तो देखो आप आर टू में से आर वन माइनस कर दो, या आप आर टू में से आर थ्री माइनस कर दो, आप कोई भी ऑपरेशन उठा लो, मुझे यहां जीरो चाहिए। क्यों चाहिए ये सब बातें बाद में, पहले आप केवल समझो कि मुझे यहां पर जीरो चाहिए। यस आई वॉन्ट आर टू बिकम्स आर टू माइनस, बोलो क्या करना चाहते हो, आर वन या आर थ्री, बोलो 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 जल्दी बोलो। चलो आर टू माइनस आर थ्री कर देते हैं, ठीक है। आर टू बिकम्स आर टू माइनस आर थ्री। अब वन आर वन एज इट इज रहेगा, क्योंकि कौन चेंज होगा, आर टू चेंज होगा, कौन चेंज होगा, आर टू। तो आर टू माइनस आर थ्री कर रहा हूं मैं, तो वन माइनस वन जीरो, थ्री में से आप इसको माइनस करोगे तो ये प्लस फोर आएगा, जीरो माइनस टू माइनस टू, फोर्थ क्लास पास होनी चाहिए, जरा सी भी गलती हमें आंसर से बहुत दूर ले जाएगी। और आर थ्री को एज इट इज कर दो, वन माइनस वन टू, आर थ्री एज इट इज, समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप, मुझे यहां भी जीरो लाना है, यहां पर यस मुझे यहां पर जीरो लाना है, इस जगह पे मुझे यहां पर जीरो लाना है, यहां पर। अब यहां जीरो लाने के लिए मैं क्या करूं बताओ, आर थ्री में से मैं आर वन माइनस कर दूंगा, आर थ्री बिकम्स आर थ्री माइनस आर वन, तो आर थ्री माइनस आर वन, तो कौन चेंज होगा, लेफ्ट में आपने जो लिख दिया यहां पर क्या लिख दिया, आर थ्री, तो आर थ्री चेंज होगा, ठीक है। तो वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो। अब माइनस वन में से ये माइनस टू माइनस करो, माइनस वन तो प्लस टू, माइनस वन प्लस टू हो जाएगा ना, माइनस वन प्लस टू वन, ठीक है। यहां पुट कर दो ना, यहां पुट कर दो, अब आर थ्री की वैल्यू ये टू यहां पुट कर दो, और ये आर वन की वैल्यू टू यहां पुट कर दो, इसमें से इसको माइनस करना है, आर थ्री में से आर वन माइनस करना है। अगर आप ओरली नहीं कर सकते, आप लिख लिख के कर लो, टू माइनस टू जीरो, तो ये आ गया आर थ्री माइनस आर वन। अब बच्चों मुझे यहां पर वन लाना है, क्या लाना है मुझे यहां पर, वन, इस फोर की जगह पर क्या लाना है, वन लाना है, यहां पर मुझे वन लाना है। ध्यान से देखो मैं कैसे चल रहा हूं, पता है, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं, यहां पर आया था पहले, मैंने इसको चेंज किया था, फिर मैं यहां पर आ गया, फिर मैं यहां पर आ गया, अब मैं यहां जा रहा हूं। अब स्मार्ट बच्चे समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाला हूं, मैं बनाने वाला हूं वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने वाला हूं मैं इसको। यस तो अब देखो बच्चों, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं, पहले मैं यहां वन ले आया, फिर यहां जीरो, फिर यहां पर जीरो, अब मैं यहां पहुंच गया हूं, ठीक है ना, फिर मैं इसके बाद ना यहां, पहले यहां आते हैं, चलो बाद में समझाऊंगा, पहले यहां पर लाते हैं, यानी यहां पर मुझे आना है वन लाने, मुझे यहां पर वन लाने, वन लाने हैं बच्चों, तो क्या करूं मैं। एक बच्चा कहता है सर आप फोर में से इसको, अच्छा किसी भी रो को ना मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। यस कैसे, देखो मैं आपको एक ऑपरेशन बताता हूं, आर थ्री बिकम्स थ्री आर थ्री, इसका मतलब क्या हुआ, आप आर थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या आप कर सकते हो, आप किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। यस तो ये जो ऑपरेशन मैंने बताए थे ना, आर थ्री बाय थ्री, ये चलेगा, थ्री आर थ्री बिकम्स, आर थ्री बिकम्स थ्री आर थ्री, ये भी चलेगा, ये ऑपरेशन चलेंगे, ठीक है। आप एक ऑपरेशन और बता दूं मैं आपको, जैसे आप आर वन बिकम्स आर वन प्लस टू आर टू करना चाहते हो, ये भी चलेगा, आर वन बिकम्स आर वन माइनस टू आर टू करना चाहते हो, ये भी चलेगा। अब मैं आपको मेन टारगेट बता दूं, आपका टारगेट है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, किसी भी तरह से ऑपरेशन करो, कोई भी डाउट होगा तो मुझसे आप पूछ लेना, पहले मैं आपको सोल्ड एग्जांपल दूंगा एनसीईआरटी के, और जरूरी नहीं है कि आपको जो स्टेप्स एग्जांपल में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, आप अपने ऑपरेशन में लगा सकते हो, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। अब बच्चों मैं कहाँ फंस गया था, आर थ्री बिकम्स थ्री आर थ्री, इस आर थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करना है, तो आर थ्री को मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बताओ इसका फायदा क्या मिलेगा मुझे, मैं यहाँ वन ले आ सकता हूँ, कैसे, अब मैं करूँगा आर टू माइनस आर थ्री, आर टू बिकम्स आर टू माइनस आर थ्री, तो वन माइनस टू टू जीरो
फोर माइनस थ्री क्या हो गया, वन माइनस टू जीरो थ्री जीरो, क्लियर। अच्छा एक बात याद रखना, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हो, यहाँ वन ला रहे हो, यहाँ जीरो ला रहे हो, जीरो ला रहे हो, फिर यहाँ वन भी ले आए, लेकिन याद रखना कोई ऑपरेशन करते वक्त ऐसा ना हो कि आपने यहाँ तो वन ले आए और ये वाली जीरो खत्म होगी, तो वो ऑपरेशन गलत होगा। यहाँ आप वन ले आते हो और ये जीरो खत्म हो जाती है, या ये वाली जीरो खत्म हो जाती है, या ये वाला वन खत्म हो जाता है, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस ऑपरेशन का। नेक्स्ट, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी ना तो अपलोड करने में दिक्कत आएगी। अब मैं आपको टारगेट बता दूं, आपको चलना ऐसे है, मैं आपको पहले एरो बता देता हूँ, ऊपर से आए थे ना हम, यहाँ से ऐसे, फिर हम यहाँ पर ऐसे गए, अब आपको नीचे आना है, यानी यहाँ पर जीरो लानी है, फिर आप यहाँ से यहाँ जाओगे, ठीक है, फिर आप यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर आप यहाँ से यहाँ जाओगे, क्लियर, फिर आप यहाँ से यहाँ जाओगे, तो इसको बोलते हैं डब्लू, डब्लू बन गया ना डब्लू, तो डब्लू स्टाइल से आप चलना है आपको, ठीक है। आपको इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन बताओ जल्दी से क्या होगा, यहाँ पर मुझे आना है, यहाँ आना है, यहाँ मुझे जीरो चाहिए, तो बताओ मैं क्या करूँ, आर थ्री बिकम्स आर थ्री माइनस थ्री आर टू, अगर मैं ये ऑपरेशन कर दूँ ना तो यहाँ पर जीरो आ जाएगी, कैसे, देखो वन माइनस टू टू जीरो, वन माइनस टू जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, और जीरो प्लस सिक्स हो जाएगा ना, थ्री से मल्टीप्लाई भी तो करोगे आप, देखा पहुंच गए ना हम, देखो आप ध्यान से देखो, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, अब यहाँ वन लाना है, एरो देख लो ना, डब्ल्यू देखो आप, डब्ल्यू के हिसाब से मुझे यहाँ आना है, आप यहाँ यहाँ आना है तो मुझे यहाँ पर वन लाना है। अब यहाँ पर वन कैसे आएगा, कोई रास्ता नहीं है, आप एक ही रास्ता बचा, आप आर थ्री को सिक्स से डिवाइड कर दो और जीरो, इन दोनों जीरो पे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, आर थ्री बिकम्स आर थ्री बाई सिक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो अब आप ले आओ बच्चों, घबराओ मत, ठीक है, टेंस रखो, ये मेरा बेटा है ना, दुखी करता है, बीच में आ गया, तो मतलब था जानबूझ के आया है ताकि मेरी वीडियो ख़राब हो जाए। जीरो वन माइनस टू, अब सिक्स से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है ना, तो जीरो जीरो वन, सिक्स से मैंने डिवाइड कर दिया, आर थ्री को सिक्स से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ वन आ गया। अब आप डब्ल्यू मेथड के हिसाब से यहाँ आओगे, यानी यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, जीरो चाहिए। अब जीरो लाने के लिए मैं क्या करूँगा, आर टू बिकम्स आर टू प्लस टू आर थ्री, आर टू प्लस टू आर थ्री, जैसे आप आर टू प्लस टू आर थ्री करोगे ना, तो देखो जीरो वन प्लस, इसलिए जब मैं ना दरवाजे बंद करके डोर बंद करके वीडियो बनाता हूँ, पर आज खुला रहेगा, ये आ गया बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे, अब मुझे यहाँ जाना है, यहाँ यहाँ पर मुझे चाहिए जीरो, अब बताओ जीरो कैसे आएगा, अगर मैं आर वन बिकम्स आर वन माइनस टू आर थ्री कर दूंगा ना, आर वन बिकम्स आर वन माइनस टू आर थ्री, तो वन माइनस आर वन माइनस टू आर थ्री, तो वन माइनस जीरो जीरो, माइनस टू दिस टू माइनस टू जीरो, यहाँ पर जीरो आ जाएगी, ठीक है बच्चों, पेशेंस रखो, इस क्वेश्चन को दो तीन बार करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बच्चों काफ़ी हम, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तो जीरो चाहिए, बस हम पहुँच गए हैं, आर वन बिकम्स आर वन प्लस टू आर टू, जैसे आप आर वन प्लस टू आर टू करोगे तो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने आप रूम में खड़े होकर डांस करना स्टार्ट कर देना, यस राइट, तो आपने डांस करना है, आपका आंसर आ चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, तो ऐसे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, रो ऑपरेशन करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। पहले मैं इससे रिलेटेड आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए।